सबसे पहले तो यह आवश्यक है कि कोरोना का कारण तो सब लोग जानते हैं, निदान केवल और केवल कहा गया कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 मार्च को तो विधानमंडल में, 12 मार्च से इसकी तैयारी, जो ही जानकारी मिली तो तैयारी शुरू किया। आपदा प्रबंधन विभाग, खाद्य आपूर्ति, स्वास्थ्य विभाग, जो भी विभाग से संबद्ध थे, तो एक वैकल्पिक योजना पर हम लोगों ने काम शुरू कर दिया। जब काम शुरू करने के बाद अब तक जो प्राप्त प्रतिवेदन है, 66 लोग इसके संक्रमित हुए हैं, 26 मरीज ठीक हो गए हैं। मरीजों को जो ठीक करने का जो इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें बिहार दूसरे स्थान पर है। ये हमारे लिए सुकून भरी खबर है। 48 घंटे से तो कोई मरीज नहीं मिला था, लेकिन अभी दो मरीज का प्रतिवेदन आया है कि दो मरीज और बढ़े हैं। ये हम लोगों के लिए इसका मतलब साफ है कि चुनौती हमारे लिए अभी भी बरकरार है। हम लोगों ने डेडिकेटेड हॉस्पिटल इसके लिए बाजाब्ता नोटिफाई कर दिया है। उसके लिए बाजाब्ता हम लोगों ने सिस्टमेटिक रूप से 2344 बेड हम लोगों ने इसके लिए बाजाब्ता COVID-19 के मुकाबले के लिए, जो 2344 बेड, 2344, जिसमें सबसे ज़्यादा भागलपुर में है 1000, ICU जो हमारे यहाँ है 116 है। उसके अलावा आइसोलेशन बेड हमने स्थापित किया है, उसके अलावा वेंटिलेटर जो हमारा है उसको हमने अपग्रेड किया है। तो ये अब तक का जो प्रतिवेदन है, और हम लोग लगातार, अभी मुझे जानकारी आपके बीच आने से पहले मिली है कि IGIMS ने वो सिस्टम, वह जो नया मशीन आया है, उससे ये रैपिड टेस्ट जिसको कहते हैं, अब ये प्रावधान आज से होने जा रहा है कि 1 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक चुनौती है। बिहार का एक बड़ा पॉपुलेशन भी है, हमारा जनसंख्या का घनत्व भी है, क्षेत्रफल भी है, तो हमारे लिए एक चुनौती है। लेकिन देखिए, हम सबसे मूल मंत्र पर जिस पर काम कर रहे हैं कि लॉकडाउन का अनुपालन कैसे होगा, आखिर जब तक उनकी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हम नहीं करेंगे। और इसका दो पक्ष है। एक पक्ष है कि बिहार में आप देखिए कि गांव में, ग्रामीण स्तर पर जब जाएंगे तो यह एक जनता ने जिसको आत्मसात कर लिया है, अगर किसी के घर में कोई बाहर का कोई उसका बेटा भी, परिवार भी आया है, तो उसने कहा है कि आप चलिए, आपको क्वारंटाइन होना है, आपको ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, अब तक हम लोगों ने बिहार में, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार की त्रासदी कहाँ हुई, कि हमारे जहाँ वो मेहनत कर रहे थे, वो सब कुछ कर रहे थे, चंद दिन का ये आपदा आया तो उनको हमारे यहाँ भेज दिया गया। उससे हमको कोई परेशानी नहीं, हमने उस चुनौती को कबूल किया। हमने सीमा पर ही, बॉर्डर के इलाके में ही हमने स्क्रीनिंग करवाई। स्क्रीनिंग करवाने के बाद सरकारी साधन से उनको जिला मुख्यालय लाया, जिला मुख्यालय से गाँव पहुँचाया। और आपको यह जानकारी मैं दे रहा हूँ कि अभी बिहार में कुल क्वारंटाइन केंद्र की संख्या है 3000, उसमें जो कमरे हैं, रूम जो हैं, वह है 7559। तो स्वाभाविक रूप से हम इस काम को लगातार कर रहे हैं। और ये मैं इसलिए मुझे खुशी होती है कि गांव के अंदर में लोगों में इतनी जागरूकता आ गई कि अपने बेटा, अपने भाई, अपने बहन को भी वह कहते हैं कि चलो चलो क्वारंटाइन सेंटर में। तो लगता है कि जनता ने इसको आत्मसात कर लिया और ये चुनौती कबूल कर लिया है कि हमको इससे लड़ना है, इससे भिड़ना हमको है। ये मनोदशा अगर ग्रामीण क्षेत्र में है, बिल्कुल, देखिए मैं आज ही का मैं बता रहा हूँ, मेरे घर पर, हम लोग के घर पर आया टीम, वह आंगनवाड़ी की सेविका थी, वह शिक्षक थे, जो विभिन्न पूरा, मैंने ये नहीं कि केवल हमारे आवास पर ही नहीं, पूरे मोहल्ले में, पटेल नगर के इलाके में, इस इलाके में वो लोग जा रहे हैं और घर घर सर्वे कर किया जा रहा है कि आपके यहाँ कोई बाहर से तो नहीं आया है, आप लोग कितने लोग यहाँ पर रह रहे हैं, उनका डिटेलिंग किया जा रहा है। तो हम ये समझते हैं कि ये और यह स्वाभाविक रूप से हम लोग अनुरोध भी कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि जांच कराने में कोताही मत बरतिए, जांच जरूर करवाइए, इसको छिपाइए नहीं। तो हमको लगता है कि इस अनुरोध का भी असर पड़ रहा है। देखिए, पहला तो कि हम उसकी सीमा को सील कर दिया, हमने उस एरिया को सील किया, वो डिस्ट्रिक्ट की सीमा को सील किया, ड्रोन से उसको बजाबता उसकी निगरानी की जा रही है। और पुलिस मुख्यालय, प्रशासकीय पदाधिकारी के वरीय पदाधिकारी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक नहीं, वरीय पदाधिकारी को वहाँ बजाबता पोस्टेड कर दिया गया है कि आपका दायित्व तो है इस इलाके का सर्वे करना, इस इलाके में जो चुनौती है उस चुनौती का मुकाबला करने में। पूरे प्रशासनिक मशीनरी को उसमें लगा दिया गया है, जिससे कि हम उसको कन्फाइन कर सकें। ये हमारे लिए बड़ी चुनौती है।
सिवान के अंदर और बेगूसराय के अंदर जो घटना हुई, अब इसको जिस रूप में लिया जाए, लेकिन यह हमारे लिए एक चुनौती हुई और उस तात्कालिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने और निर्देशित किया और प्रत्येक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी खुद लगातार तथ्यों की समीक्षा कर रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए चुनौती है, सारी बातों की चर्चा विस्तार से कर रहे हैं वो। नहीं, हमारे पास अभी तात्कालिक रूप से हमको कोई परेशानी नहीं है। हमारे पास अभी पीपीई किट भी है, 3-ply मास्क भी है, N95 मास्क भी है, हमारे पास जो भी सैनिटाइजर है वो भी है, VTM किट भी है, RNA किट भी है हमारे पास, जो भी बुनियादी आवश्यकता है तात्कालिक रूप से, क्योंकि ये परिस्थिति जन्य चुनौती है, ये तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार ये चुनौती पेश हुआ है। तो आज के डेट में अगर पूछिएगा तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। बाकी केंद्र सरकार से भी अनुरोध किया गया है और इस दिशा में सार्थक संवाद चल रहा है। 13 अप्रैल के दिन के 3 बजे तक का जो प्रतिवेदन है, वह प्रतिवेदन के अनुसार हम लोगों ने अब तक विभिन्न प्रमंडल का ये आंकड़ा है, उसमें है कि मगर पटना प्रमंडल हमारा है, पटना प्रमंडल में हमें 44% की कटनी हो गई, मगध प्रमंडल में 44%, सारण प्रमंडल में 32%, तिरहुत प्रमंडल में 54%, दरभंगा प्रमंडल में 67%, भागलपुर प्रमंडल में 75% की कटनी हो गई है, मुंगेर में 65, कोसी में 67, पूर्णिया में 58%। मैंने पूरे तौर पर आप देखेंगे बहुत धन्यवाद 56 मैंने वहीं पे हैं, और आपको यह बताते हुए मुझे सुखद अनुभूति हो रही है कि राज्य में फसल कटनी हेतु चलाए जा रहे जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं उसकी संख्या है 701, रीपर कम बाइंडर मशीन जो चलाए जा रहे हैं 2904। 30 अप्रैल 2020 तक हमने गेहूं की कटनी को संपन्न करने का लक्ष्य तय कर लिया है और हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये निश्चित रूप से इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में सोशल डिस्टेंस का भी पालन करना है, इसके लिए कोई दवा भी नहीं है। अरे सीधे तौर पर मैं तो खुद व्यक्तिगत रूप से, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके मोबाइल पर भी बोल देता हूँ, मेरा नंबर है 9431009641, ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, मैंने इसको पब्लिक किया, व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, चूँकि मोबाइल तो बहुत व्यस्त रहता है तो हम लोग उनको अद्यतन जानकारी देंगे। अब तक मैंने खुद 8385 व्यक्तिगत रूप से मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप मैसेज से लोगों की समस्या दूर करने का प्रयास किया है। तो यह हम तो खुद इस काम के लिए उपलब्ध है, कृषि विभाग उपलब्ध है, हमारा जिला प्रशासन उपलब्ध है, और लोगों से निवेदन करेंगे, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जो IPRD समाचार प्रसारित किया जाता है शाम में, उसको नियमित रूप से लोग देखें, और साथ ही यह भी निवेदन करेंगे कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसका भी लाभ लेने में आपकी भी भूमिका महत्वपूर्ण है, मेरी भूमिका भी महत्वपूर्ण है, और जो लाभुक है उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। कृषि विभाग ने ऐप भी जारी किया है, नहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और मैं उन कर्मियों को का अभिनंदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद अभिनंदन किया है, जो अपने जान को जोखिम में डालकर जो सरकारी कर्मी हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो काम कर रहे हैं। और एक बात और आप इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि अब तक तो लोग आलोचना करते थे कि सरकारी अस्पताल सक्षम नहीं है, लेकिन COVID-19 के मुकाबले में देश के आंकड़े निकाल करके देख लीजिए, आज इस चुनौतीपूर्ण समय में सबसे ज़्यादा भरोसा लोगों को सरकारी अस्पताल पर ही है, निजी अस्पताल पर नहीं है। ये एक स्वरूप में बदलाव आया है और हम समझते हैं कि भविष्य की मनोदशा में भी यह बदलाव लाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में पूरे दुनिया के संदर्भ में भारत की भूमिका की चर्चा की, भारत में जो कोरोना संक्रमण से जो चुनौती है उसकी भी चर्चा की, और भारतवर्ष के नागरिकों का जो अभिनंदन भी किया कि उन्होंने कैसे लॉकडाउन का समर्थन किया। अब ये परिस्थिति जन्य चुनौती है, मैं कोई अभी इसमें डिबेट पर नहीं जाना चाहता हूँ, चूँकि ये डिबेट का भी समय नहीं है, कि दुनिया के अंदर में जिस विज्ञान पर इतना भरोसा लोग कर रहे थे, उस विज्ञान ने कोरोना वायरस के मुकाबले में अमेरिका जैसे देश, स्पेन जैसे देश, इटली जैसे देश, तमाम देश आज चुनौती से जूझ रहे हैं। तो स्वाभाविक है, ये तो मनोदशा हमारी है, लेकिन हम तो यह समझते हैं, जो हमको अब तक महसूस हो रहा है कि बिहार का जब मैं देखता हूँ फिगर
कि 12 करोड़ 13 करोड़ हमारी जनसंख्या और गांव के अंदर एक भी गांव में हलचल का वातावरण नहीं। यह देखिए, यह बड़ा सुकून देता है। इसे एक होता है तनाव का वातावरण, नहीं, एक सद्भाव का वातावरण है कि आए हो बाहर से तो जाके रहना पड़ेगा तुमको। और खेती बाड़ी हमारा जो पारंपरिक जो हमारी परंपरा है, शादी विवाह जो प्रस्तावित था, श्राद्ध था, इन तमाम चीज़ों को स्थगित करके लोगों ने जिस संकल्प शक्ति का परिचय दिया है वो सलाम करने योग्य है। अभी देखिए, सबसे पहली बात की जो भी ये कोरोना वायरस का जब मामला आया तो तात्कालिक रूप से एक ऐसा स्थिति बनी जिससे हमारा ओपीडी तक बंद हो गया था, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या एडिशनल प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या सब डिविजनल हॉस्पिटल में। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी समीक्षा करने के बाद जो निर्देश दिया है कि भाई अविलंब इसको शुरू करिए, और वो शुरू भी हो गया। निजी अस्पताल में भी उन्होंने निर्देश दिया कि उसकी भी शुरुआत करिए, क्योंकि तात्कालिक ये परेशानी आई है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और एक ऐसा वातावरण दुनिया के अंदर बना कि जो स्वास्थ्यकर्मी थे वो भी घबरा रहे थे कि भाई क्या करें नहीं करें। एक मानसिक सरकारी कर्मी भी, उनके भी तो परिवार हैं, उनके भी तो परिजन हैं, वो भी तो इस चुनौती को कैसे जूझेंगे। जब तक मनोदशा उनकी नहीं बनेगी तब तक जूझ नहीं पाते। लेकिन अब ऐसी सूचना जो ही मिलती है तो हम लोग तुरंत तुरंत अविलंब कार्रवाई। और सुखद यह है, मैं बता रहा हूँ, बार बार इसको बोल रहा हूँ, बिहार के लिए सबसे पॉजिटिव ट्रेंड ये है कि गांव के लोग ही खबर कर देते हैं, और खबर करने के बाद कोई तनाव गांव में नहीं होता है। ये बहुत पॉजिटिव है बिहार के अंदर में। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस लॉकडाउन को जो परिभाषित किया उसके निहितार्थ में दो बातों की मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे। पहला कि लॉकडाउन को अगर सफल बनाना है तो जो परिवार परिवार गांव के अंदर रह रहे हैं या शहर के अंदर रहे, उनको बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं। तो बिहार में आपने देखा होगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन 84,76,000 लोग थे जिनको हम लोगों ने तय किया कि एक मुश्त उनको 3 माह के हमने अग्रिम भुगतान कर दिया। हमारा 1,017 करोड़ रुपया भुगतान मानी पूरा खर्च हुआ है, कुछ लोगों का बचा हुआ है लेकिन अधिकतर लोगों को मिल गया है। इसके अलावा हमने प्रवासी बिहारियों के लिए, या हम आपसे भी अनुरोध करेंगे, इस सवाल को जरूर आप उठाइएगा गंभीरता से, जो प्रवासी बिहारी हैं देश के विभिन्न राज्यों में कार्यरत हैं, मेहनत करते हैं, उनके मेहनत के बदौलत वो कंपनियां संचालित होती हैं, निजी कंपनियां हैं, हम विनम्रतापूर्वक अनुरोध करेंगे कि वैसे लोग को राज्य सरकार, तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी प्रति व्यक्ति 1,000 रुपया दे रहे हैं, 8,53,000 कल तक का आंकड़ा है कि लोगों ने आवेदन ऐप डाउनलोड किया और 5,22,000 लोगों का को हम लोगों ने रुपया उनको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन मेरा अनुरोध होगा कि भाई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज कहा है कि भाई जो निजी फर्म में कार्यरत कर्मी हैं उनके प्रति तो मानवीय संवेदना दिखाना चाहिए। कम से कम आपके उनके मेहनत के बदौलत आपकी फैक्ट्री खड़ी है, तो इस संक्रमण काल में उनका वेतन बंद कर देना ये तो कहीं से न्यायोचित नहीं है। आपकी भी मदद की ज़रूरत है कि जैसे हमारे बिहार में बंगाल के लेबर आते हैं काम करने के लिए, आप पता लगा लीजिए बिहार के गाँव में जो ईंट भट्ठे पर काम करते हैं उनको खाना खिला रहे हैं,